नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धारा में मैं शालिनी सोमानी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अकाउंट्स के डिजिटाइजेशन के बाद डेटा एनालिसिस में एक्सेल की कितनी अहम भूमिका हो गई है। बस इसी दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे ब्लैंक रोज आपके डेटा में से कैसे डिलीट की जा सकती है। ब्लैंक रोज आपके डेटा में बड़े आसानी से बाधा बन सकते हैं। यह वीडियो आपको ब्लैंक रोज डिलीट करने के कई तरीके सिखाएगा और उसमें से बेहतरीन भी आपको बताएगा। एक बहुत पॉपुलर तरीका यह कहता है कि F5 दबाएं और स्पेशल डायलॉग बॉक्स में से ब्लैंक सेलेक्ट करें एंड सिंपली डिलीट एंटायर रोज। मगर एक बात जो वे लोग आपको नहीं बताते हैं वो ये कि इस तरीके से आप वो सारी रो डिलीट कर देंगे जिनमें मात्र एक सेल ब्लैंक हो, तो इसमें डेटा खोने की बड़ी आशंका रहती है। अगर आपके सारे कॉलम एक समान इम्पॉर्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। टेबल के राइट में एक कॉलम ऐड करें और उसे नाम दीजिए ब्लैंक्स और फिर फॉर्मूला लगाएं काउंट ब्लैंक, जिसमें आपको रो के स्टार्टिंग से एंड तक रेफरेंस देना रहेगा। देन हिट एंटर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एज अ शॉर्टकट टू रीच लास्ट सेल इन द रेंज। फिर वापस सिलेक्शन को ऊपर लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की एंड पेस्ट द फॉर्मूला। अब हम ब्लैंक को बड़ी आसानी से अपने डेटा से अलग कर सकते हैं। जाइए डेटा टैब पर और फिर फिल्टर सेलेक्ट करें। अब आप अपना न्यू कॉलम हेडर को यूज़ करें, जिसमें सबको अनसेलेक्ट कर दीजिए और सिर्फ सबसे बड़ा नंबर ही सिलेक्ट करें जो सारी रोज के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो। परिणाम आपके सामने है। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट दबाइए फर्स्ट सेल तक पहुंचने के लिए और ये सारी रोज सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट के बाद फिल्टर हटा दीजिए। आपका डेटा तैयार है। आपका डेटा अब ब्लैंक रो मुक्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।